बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाना। जिसके लिए यहाँ एक पैन ले लिया मैंने, इसके अंदर तेल डालूंगी 1/4 कप। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें यहाँ पे 1 अदद तेजपात लिया, इसके 2 टुकड़े कर ले, 2 अदद सिनेमन या दारचीनी, 4 से 5 लौंगे हैं, 6 से 7 छोटी इलायची है, 1 अदद बड़ी इलायची है, 2 अदद बादियान का फूल है, इसको इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाह। और यहाँ मैंने 1 लार्ज अनियन, 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज के अंदर शामिल करेंगे टमाटर, 2 मीडियम ले लें या 1 लार्ज ले लें। टमाटर के अंदर शामिल करेंगे तीसरी मिर्च 1.5 टीस्पून। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 1 टीस्पून डालें। हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसके अंदर पानी शामिल कर दें, 1/2 कप पानी शामिल करेंगे। 1/2 कप पानी शामिल कर दें और इसके ऊपर लिड लगा दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। हाफ कप पानी में हम टमाटर को अच्छी तरह से गलाएंगे और फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे बिस्मिल्लाह। ये देखिए टमाटर जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए इस तरह मसाले को स्पून से या पैचुला से आप मेल्ट कर दें, थोड़ा सा और भी हो जाए, ठीक है। इसको भुनेंगे, आप चाहे इसमें धनिया पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें धनिया पाउडर पसंद नहीं तो मैं दाल में धनिया नहीं डालती हूँ। इसको अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए उस तक अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसके अंदर बॉयल की हुई दाल शामिल कर दो। दाल को पहले से बॉईल कर लें और फिर इसके बाद इसके अंदर आप शामिल करें। दाल में से स्मेल खत्म करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो दाल में स्मेल है वो खत्म हो जाए। ये देखिए पहले मैं तेल 1/4 कप इस्तेमाल करी हूँ। जब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, तड़का आप घी या तेल जो आपको पसंद है उसके साथ आप तड़का लगाएं। ये देखिए अच्छी तरह से ये भून गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/2 कप पानी ऐड कर दें। ये देखिए सही है। सॉल्ट ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें। साथ ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावत्री का पाउडर, मैं जायफल जावत्री का पाउडर ऑप्शनल है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1/4 स्पून। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो स्किप कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद 1 से 2 मिनट और इसे कुक करें आप। लिड लगाएंगे और 2 मिनट इसे और कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गया, अब
इसको दूसरे साइड पे रखेंगे और हम बघार की तैयारी करेंगे। इसमें तड़का लगाएंगे, जो आपने खाया होगा हाईवे पे ढाबे पे अक्सर ये दाल। अब एक फ्राई पैन या कोई भी पैन ले ले आप, इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, वन टेबल स्पून या वन टी स्पून आप ऑयल डाल दें, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे बटर, इस तड़के को आप तेल के साथ भी, आप तेल के साथ भी तड़का लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बटर डालें। बटर मेल्ट हो जाए इसके अंदर साबित सूखी मिर्च डाल दें, साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, कड़ी पत्ता शामिल कर दें इसके अंदर, 20 से 25 हरी पत्ते शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते के बाद इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल दें, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और ये बघार हमारा जो है तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर तड़का लगा दें इस तरह से। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया है तो इसके ऊपर डाल दें थोड़ा सा इस तरह से। साथ ही इसके ऊपर डालेंगे जिंजर अदरक। ढाबा स्टाइल चने की दाल तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कोई अच्छी डिश के साथ फिर हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।